बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अजीम इंजीनियर जिसने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी को डिज़ाइन किया लेकिन कोई मुआवजा ना लिया, ये अजीम इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल थे जो 1908 में मिस्र में पैदा हुए। वो मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया, फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियर का सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने वहां से ग्रेजुएट डिग्री ली, फिर सबसे कम उम्र जिसने यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन के तौसीई मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उसने शाह फहद और बिन लादन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूँ और क्यामत के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूँगा। उसने 44 साल की उम्र में शादी की और उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और जचगी के बाद फौत हो गई। उसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ रहा। इसकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। इस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफेद पत्थर के हसूल की भी बड़ी दिलचस्प अजीब कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरम में मुताब छत और बाहर सहन में लगा हुआ है। इसकी खसूसियत यह है कि गर्मी को जज़ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मुल्क ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तियाब था। वो सफर करके ग्रीस गए और हरम के लिए काफी मकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का वादा किया। वादे पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर स्टॉक में आ गया और मक्का हरम में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने का कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि कुर्रे अर्ज़ पर वो वाहिद जगह ग्रीस ही थी जहां ये पत्थर दस्तियाब था, जो कि आधा पहाड़ तो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल की बकाया मकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो चुके हैं। कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मकदार खरीदी है। तो उसने कहा पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूं। उसने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या जरूरत है कि किसने खरीदा, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उसे फोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के खरीदार का एड्रेस मिल गया है। अब कमाल बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया। अब क्या करूं खरीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया है। कमाल दफ्तर पहुंचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर का सांस लिया क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी थी। कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचा और सीधा उस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और डायरेक्टर एडमन को मिला और पूछा कि आपने इस मार्बल का क्या किया जो ग्रीस से खरीदा था। तो उसने कहा मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से रابطہ किया और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया था किधर है। तो उन्होंने कहा वो सारी मकदार मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगा और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। उसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मकदार मेरे हवाले कर दो।
जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना है, तो उसने कहा, मैं एक रियाल भी नहीं लूंगा। अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे खरीद कराया और फिर मैं भूल गया। इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।